स्टूडेंट्स सो लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर नाइन दिस क्वेश्चन वाज आस्ड इन गेट 2005 इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच तो पढ़ते क्या लिखा हुआ है इसमें तो बोला है कंसीडर द सर्कल मॉड ऑफ z minus 5 minus 5 हाइटा इक्वल टू 2 इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन x, y विद z इक्वल x हाइटा y तो कुल लगे x हमारा रियल पार्ट है और y इमेजिनरी पार्ट है हमारा कोई कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z का नाउ नेक्स्ट पूछ आगे बोला है द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द सर्कल इज तो हमें क्या करना है इस सर्कल की मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है फ्रॉम द ओरिजिन तो लेटर सिर्फ सोल्यूशन तो सबसे पहले देखिए अगर मैं इस इक्वेशन को कंपेयर करो तो मॉड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू के से तो अगर ये इक्वेशन दे है तो इसका मतलब होता है कि इट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर एट जेड नॉट जेड नॉट मीन्स एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट और कैसे एक्स नॉट प्लस आई एट वाई नॉट वेर एक्स नॉट इज द रियल पार्ट ऑफ जेड नॉट एंड वाई नॉट इज द इमर्जनरी पार्ट ऑफ जेड नॉट एंड रेडियस इज के तो सेंटर हमारा एक्स नॉट कमा वाई नॉट पर हुआ और रेडियस हमारी हुई के तो आप कंपेयर करिए अगर मैं यहाँ पे इसको लिखना चाहूँ तो इस ते मॉड ऑफ जेड माइनस फाइव प्लस फाइव आयोटा इक्वल टू टू तो इसको अगर मैं इससे कंपेयर करके देखूँ तो आप देखेंगे कि जेड नॉट की वैल्यू हमारी आ रही है फाइव प्लस फाइव आयोटा मीन्स एक्स नॉट हमारा फाइव है वाई नॉट हमारा फाइव है और के की वैल्यू हमारी टू है तो हम बोल सकते हैं इट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर एट फाइव कमा फाइव एंड रेड एस इक्वल टू टू सो लेट लेटेस्ट फर्स्ट फर्स्ट प्लॉट द सर्कल तो देखते हैं सोल्यूशन ठीक है देखिए हमारा जो सेंटर था वो था हमारा फाइव कमा फाइव पे है ना तो ये हमारा सेंटर है फाइव कमा फाइव पर और जो रेडियस है हमारी वो है टू तो पहले बात तो ये सेंटर हो, 5, 5, ये हो Now, तो गया हमारा फाइव कमा फाइव ये डिस्टेंस हो गई हमारी टू नाउ अब हमें क्या करना है मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है फ्रॉम द ऑरिजिन तो मान लेते हैं वो मिनिमम डिस्टेंस हमारी ओ बी है तो हमें इस डिस्टेंस को निकालना है तो पहले बात तो लेट्स से इस पॉइंट को हम सी लिखा हुआ है यहाँ पे तो ये ओ सी जो जो है वो है हमारा ओ बी प्लस टू क्योंकि तो ये डिस्टेंस हमारी टू है और ये हमारी ओ ब तो क्यों मिला कि हमें ओ सी नहीं निकालना है हमें ओ बी निकालने में मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है तो सबसे पहली चीज देखिए अगर मैं यहाँ पे पाइथागोरस रूट लगाऊ तो ओ सी इक्वल टू क्या होगा अंडर रूट ऑफ ओ ए का होल स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर तो ओ ए की वैल्यू हमारी फाइव है ए सी की वैल्यू हमारी फाइव है तो अगर हम पुट करेंगे तो जो ओ सी की वैल्यू आ रही है वो आ रही है हमारी फाइव रूट टू तो पहली बात तो क्या समझ में आया ओ सी की वैल्यू आ रही है यहाँ पे फाइव रूट टू तो अगर हम यहाँ पे देखिए हमारी इक्वेशन आई थी हमारी ओ सी इक्वल टू ओ बी प्लस टू तो इसकी वैल्यू अगर हम आई आगे फाइव रूट टू नाउ इक्वल टू ओ बी प्लस टू तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ से अगर मैं ओ बी निकालूंगा तो वो आएगा फ़ाइव रूट टू माइनस टू जो कि यहाँ लिखा हुआ है तो हम बोल सकते हैं द मिनिम डिस्टेंस ऑफ द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द सर्कल एट एनी पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन इज नथिंग बट फाइव रूट टू माइनस टू तो ये ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है तो हम बोल सकते हैं इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए थैंक यू If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.